गुड इवनिंग। सो क्लास नाइन्थ हम सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। कल तक हमने क्या पढ़ा था? कल तक हम लेक कोवेलसा के बारे में पढ़े थे कि उन्होंने सैलरी की डिमांड ज़्यादा की थी, इसलिए उनको जॉब से निकाल दिया गया था। और उसके बाद उन्होंने स्ट्राइक क्या कर लिया था, स्ट्राइक को ज्वाइन कर लिया था। तो अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ था। द स्ट्राइक बिगन टू स्प्रेड अक्रॉस द होल सिटी। अब जो स्ट्राइक था वो पूरे शहर में फैलने लग गया था, ठीक है। दे ऑल्सो डिमांडेड द रिलीज ऑफ पोलिटिकल प्रिजनर एंड एंड टू सेंसरशिप ऑन प्रेस। देखिए उनके डिमांड्स क्या थी, जो स्ट्राइक कर रहे थे, जो स्ट्राइकर्स थे, उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड ये थी कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, मतलब जो बंदी हैं, उनको छोड़ दिया जाए, ठीक है, उनको रिलीज़ कर दिया जाए। द मूवमेंट बिकेम सो पॉपुलर दैट द गवर्नमेंट हैड टू गिव इन। द वर्कर्स लेड बाय वलसा साइंड ए 21-point अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट दैट एंडेड देयर स्ट्राइक। और क्या हुआ कि वो जो स्ट्राइक थी वो इतना पॉपुलर हो चुका था, इतना मशहूर हो चुका था कि सरकार को हार मानकर उनको मंजूरी देनी पड़ी, ठीक है। तो उन्होंने 21 पॉइंट्स का एक अग्रीमेंट साइन कराया था, वलेसा लीड कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, जब गवर्नमेंट ने उनको अथॉरिटी दे दी, उनकी जो डिमांड्स थी उनको मंजूर कर लिया, तो क्या हुआ, स्ट्राइक ख़त्म हो गया, ठीक है। आफ्टर द गैंग्स एग्रीमेंट वॉज साइन अ न्यू ट्रेड यूनियन कॉल सॉलिडेरिटी। जब ये साइन हो गया, ठीक है, ये एग्रीमेंट साइन हो गया, तो वहाँ पे एक नया ट्रेड यूनियन बना। हमने इससे पहले पढ़ा था कि किसी भी ट्रेड यूनियन को बनाने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। लेकिन जब ये 21 पॉइंट का अग्रीमेंट साइन हो गया तो एक नया ट्रेड यूनिटी बना, जिसका क्या नाम था, सॉलिडेरिटी, ठीक है, सॉलिडेरिटी बना। इट वॉज़ द फर्स्ट टाइम एन इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन वॉज फॉर्म्ड इन एनी ऑफ द कम्युनिस्ट स्टेट। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बना था, ठीक है। सॉलिडेरिटी स्वेप्ट अक्रॉस पोलैंड एंड हैड अबाउट 1 crore मेंबर। और सॉलिडेरिटी जो ट्रेड यूनियन बना था वो पूरी कंट्री में ऐसा फैला कि इसको एक साल के अंदर 1 crore लोगों ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब देखिए, जब 1 crore लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो उस समय की जो सरकार चला रहे थे, जारुजेल्स्की जो थे, ठीक है, जारुजेल्स्की जो थे वो उस समय गवर्नमेंट के हेड थे, गवर्नर जनरल थे, तो उनको चिंता होने लगी। उनको चिंता ये होने लगी कि अगर इतने सारे लोग बढ़ते जाएंगे उस सॉलिडेरिटी में, उनका ग्रुप स्ट्रांग हो जाएगा, तो क्या होगा, इनको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया, मार्शियल लॉ को इम्पोज कर दिया। अब मार्शियल लॉ क्या था, देखिए मार्शियल लॉ तब था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसको मिलिट्री के हाथों में दे दिया जाए, ठीक है। अब मिलिट्री उसको कंट्रोल कर रही है, तो मार्शियल लॉ उन्होंने लागू कर दिया। कब, 1981 में। थाउजेंड ऑफ सॉलिडेरिटी मेंबर्स वर पुट इन प्रिजन, ठीक है। अब उसके बाद सॉलिडेरिटी के कम से मतलब हज़ारों जो लोग थे वो जेल में डाल दिए गए। अनदर वेव ऑफ स्ट्राइक, अब स्ट्राइक जो थी वो दोबारा आ गई, ठीक है, दोबारा होने लग गई, अगेन ऑर्गेनाइज्ड बाय सॉलिडेरिटी। और इसको सॉलिडेरिटी के लोगों ने ही ऑर्गेनाइज किया। कब शुरू हुआ दोबारा स्ट्राइक, 1988 में, ठीक है। और लेकिन इस बार क्या था, इस बार जो सरकार थी, जैसे पिछली बार तो उसको सोवियत संघ का सहारा था, ठीक है, उसको सोवियत यूनियन का सहारा था, यूएसएसआर का, ठीक है, उसके बाद मिलिट्री का भी उसको सपोर्ट मिल गया था। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी, किसकी गवर्नमेंट थी, जारुजेल्की की, ठीक है, वो वीक पड़ गई थी, ठीक है। तो क्या हुआ, सॉलिडेरिटी कंटेस्टेड ऑल द 100 seats, 100 सीटें वहाँ पर थीं और सॉलिडेरिटी ने 100 सीटों पे लड़ाई की और 100 में से 99 जीत गए, ठीक है। और 1990 में पोलैंड का पहला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, जिसमें लेक वालेसा जो थे, जो सॉलिडेरिटी के लीडर थे, उनको पोलैंड का पहला प्रेसिडेंट चुना गया, ठीक है। अब देखिए टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी।
टू फीचर ऑफ डेमोक्रेसी में हमको क्या देखना है कि हमने दो कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा, पहला चिली और दूसरा पोलैंड, ठीक है। अब इन दोनों कंट्रीज़ में डिफरेंसेस क्या हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं, हमको अब ये देखना है टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में। स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी फ्रॉम चिली वॉज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेड बाई एंदे बींग रिप्लेस्ड बाई ए नॉन डेमोक्रेटिक मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ पिनोशे फॉलो बाई रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। देखिए यहाँ चिली में क्या हुआ, चिली में एक बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी एंदे की, ठीक है। उसके बाद मिलिट्री ने क्या किया, डिक्टेटरशिप कर लिया, मिलिट्री ने कब्जा कर लिया, ठीक है। तो क्या हुआ, डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई एंदे की। उसके बाद फिर जो बैशले की डॉटर थी वो जब प्रेसिडेंट बनी तो उन्होंने फिर से क्या कर दिया, डेमोक्रेसी वो फिर से ले आई, है ना। तो एक बार डेमोक्रेसी थी फिर चली गई फिर वापस आ गई, ये चिली का कंडीशन था, ठीक है। अब उसके बाद इन पोलैंड वी ट्रैक्ड द ट्रांजिशन फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पोलैंड में क्या हुआ कि पहले नॉन डेमोक्रेटिक था, मतलब पहले डेमोक्रेसी नहीं थी जब जारुल जल्स की थे। उसके बाद जब लेक वलेसा आए तो प्रेसिडेंट बने तो क्या आ गई, डेमोक्रेसी आ गई, ठीक है। एक डिफरेंस ये हमने देख लिया दोनों में, चिली और पोलैंड में। दूसरा देखते हैं, देयर वर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन पिनोशे रूल इन चिली एंड द कम्युनिस्ट रूल इन पोलैंड। देखिए पिनोशे ने जो रूल किया था चिली में, ठीक है, और कम्युनिस्ट ने जो पोलैंड में रूल किया था उसमें काफ़ी अधिक डिफरेंस था। चिली वॉज रूल्ड बाई अ मिलिट्री डिक्टेटर, चिली को मिलिट्री के एक डिक्टेटर ने रूल किया था, और पोलैंड को पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही थी। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, पोलिश पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड क्लेम दैट इट वॉज रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ वर्किंग क्लास, पिनोशे मेड नो सच क्लेम एंड ओपनली फेवर्ड बिग कैपिटलिस्ट। देखिए पिनोशे क्या थे, चिली के जो पिनोशे थे वो मतलब अपने हिसाब से सरकार चलाते थे, ठीक है, मतलब खुलेआम जो करना है वो करते थे। उसके बाद अच्छा, अब चिली और पोलैंड में दोनों में सिमिलैरिटीज़ भी थी। हमने डिससिमिलैरिटी पढ़ी कि डेमोक्रेसी आई, मतलब डेमोक्रेसी थी फिर चली गई फिर आई, या फिर पहले डेमोक्रेसी नहीं थी फिर आ गई। अब सिमिलैरिटी पढ़ते हैं कि चिली और पोलैंड दोनों में एक जैसा क्या था, ठीक है। द पीपल कुड नॉट चूज और चेंज देयर रूलर्स, चाहे चिली की बात ले लें चाहे पोलैंड की, दोनों ही जगहों पे जो लोग थे वो अपने रूलर्स को, ठीक है, अपने शासक को चुन नहीं सकते थे अपनी मर्जी के हिसाब से। There was no real freedom to express one's opinion, form political association and organize protest and political action. उनको आज़ादी नहीं थी अपने विचारों को प्रस्तुत करने का, ठीक है, कोई एसोसिएशन यानी कोई संगठन बनाने का, ठीक है। मतलब चिली और पोलैंड दोनों ही जगहों पे ये सारी सुविधाएं नहीं थी, ये सारी आज़ादियां उन्हें नहीं दी थी। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी का डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दिया हुआ है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज पीपल टू चूज देयर रूलर्स। डेमोक्रेसी सर गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें जो लोग होते हैं उनको अपना शासक, अपना रूलर चुनने की पूरी आज़ादी होती है, ठीक है। ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाई पीपल एंड शुड रूल द कंट्री। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जिस लीडर को लोगों ने चुना होता है केवल देश को चलाने का अधिकार उसी का होता है, ठीक है। पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यूज, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, लोगों को अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, ठीक है, और अगर वो किसी चीज़ का प्रोटेस्ट करना चाहें, अगर वो किसी चीज़ के विरुद्ध खड़े होना चाहते हैं तो वो खड़े हो सकते हैं। आगे देखते हैं द चेंजिंग मैप ऑफ अ डेमोक्रेसी। देखिए यहाँ पे आपको तीन मैप्स दिख रहे हैं, इन तीनों में ही आपको क्या क्या दिखाया मैं आपको बता देती हूँ ऐसे, ठीक है, इसमें कुछ बहुत ख़ास जानने वाला नहीं है। देखिए इसमें दिखाया है कि किस किस ईयर में डेमोक्रेसी कैसे कैसे बढ़ जाती है, ठीक है। देखिए पहला ये है 1900 से लेके 1950 के बीच में जो कंट्रीज़ कलर दिख रही हैं ना, यहाँ पे डेमोक्रेसी हो गई थी, डेमोक्रेसी आ गई थी, ठीक है, मतलब मोनार्ची और डिक्टेटरशिप नहीं रह गया था, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए 1900 से 1950 हमने पहले मैप में देखा, दूसरे मैप में 1975 तक में इतनी डेमोक्रेसी, और उसके बाद फिर 2000 में लगभग
इतनी सारी कंट्रीज़ में आप देख रहे हैं जो कलर्ड पोर्शन है, लगभग इतनी कंट्रीज़ में क्या आ गई थी, डेमोक्रेसी आ गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स दिए हैं, बोल्ड पॉइंट्स हैं, बोल्ड सेंटेंसेस हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डेमोक्रेसी हैज़ एक्सपेंडेड थ्रू आउट द 20th century। डेमोक्रेसी जो है वो कब फैल गई, 20वीं शताब्दी में। ठीक है, 20वीं शताब्दी में हमने देखा ना कि सबसे अधिक डेमोक्रेसी कंट्रीज़ में किस ईयर में आई है, किस मैप में आई है, 2020 वाले मैप में आई है, यानी कि 20th century में। ठीक है, डेमोक्रेसी डिड नॉट स्प्रेड इवनली इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज इस्टेब्लिश फर्स्ट इन सम रीजन एंड द स्प्रेड टू अदर रीजन। देखिए कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि सारे देश अपना अपना अलग अलग क्या कर लिए, डेमोक्रेसी ले आ लिए। नहीं, डेमोक्रेसी कैसे आई कि एक रीजन ने डेमोक्रेसी ले आई अपने जगह पे, अपनी कंट्री में, उसको देखकर। ठीक है, या फिर उससे मतलब अलाउंस करके, या फिर उससे उनको लगा कि उससे कोई फ़ायदा है। ठीक है, तो दूसरे भी रीजन्स में क्या आई, डेमोक्रेसी आई। While a majority of countries are democratic today, there are still large part of the world that are not democratic. देखिए, हमें पता है कि आज लगभग हर देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लेकिन कुछ देश आज भी ऐसे हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फेजेज इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी फैली कैसे, ठीक है, एक्सपेंड कैसे हुई। थ्रू द 18th एंड द 19th सेंचुरी सीरीज ऑफ पॉलिटिकल इवेंट रिड्यूस द पावर ऑफ मोनार्ची एंड फ्यूडल लॉर्ड्स। देखिए 18वीं और 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि ये जो मोनार्ची थे, मतलब जो राजा थे या जो फ्यूडल लॉर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था ना कि जो ज़मींदार होते थे वो अपने हिसाब से चलाते थे चीज़ों को, है ना। ठीक है, तो हिस्ट्री में हमने पढ़ा है फ्यूडल लॉर्ड्स। ठीक है, तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में इनके जो पावर्स थे फ्यूडल लॉर्ड्स के और मोनार्च के, राजा के, वो कम हो गए। ठीक है, द राइट टू वोट वॉज ग्रांटेड टू मोर एंड मोर पीपल। जो मत का अधिकार, मतदान का अधिकार अधिक से अधिक लोगों को दिया जाने लगा। अराउंड द सेम टाइम एज द फ्रेंच रिवोल्यूशन द ब्रिटिश कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट इन 1776। ठीक है, ब्रिटिश जो कॉलोनीज थी फ्रेंच रिवोल्यूशन के समय 1776 में, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट बोल दिया था कि हम अब स्वतंत्र हो चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1787, और USA ने 1787 में कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान भी अडॉप्ट कर लिया था। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि इंडिया ने अपना संविधान कब अडॉप्ट किया था और संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लिखा किसने था। बट हियर टू द राइट टू वोट वॉज लिमिटेड टू वेरी फ्यू मैन। लेकिन USA में हुआ क्या था, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया था, डेमोक्रेसी आ गई थी, लेकिन जो वोटिंग राइट था वो बहुत कम लोगों को मिला था। ठीक है, वन मेजर डिमांड वॉज द राइट फॉर एवरी एडल्ट सिटीजन टू वोट। अब देखिए 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि सबसे बड़ा डिमांड क्या था कि हर एक एडल्ट व्यक्ति को, ठीक है, क्या मिले, राइट टू वोट मिले, वोट करने का अधिकार मिले। मैनी यूरोपियन कंट्रीज दैट वर बिकमिंग मोर डेमोक्रेटिक डिड नॉट इनिशियली अलाउ पीपल टू वोट। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ऐसी थी जो अपने देश के लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं देती थी, और सबसे अधिक ये दिक्कतें आती थी औरतों के साथ। ठीक है, औरतों को, महिलाओं को लोग वोट करने का अधिकार नहीं देते थे। ठीक है, कुछ देश ऐसे थे जो वोट करने का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को देते थे जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी। ठीक है, और अमेरिका में कई जगह, कई बार ऐसा हुआ, कुछ कई सालों तक ऐसा हुआ कि वहाँ पे जो ब्लैक पीपल थे उनको भी, ब्लैक पीपल आप समझते हो ब्लैक और वाइट, उनको भी वोट करने का राइट नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म क्या होता है, देखिए जब कोई दूसरे देश का शासन हमारे ऊपर चल रहा होता है, ठीक है, या हम किसी के अंडर वर्क, हमारा देश किसी दूसरे देश के अंडर होता है, तो वही कॉलोनियलिज्म होता है। ठीक है, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मोस्ट कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका वर कॉलोनीज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूरोपियन नेशन। देखिए बहुत लंबे समय तक एशिया और अफ्रीका के कई सारे देश
यूरोपियन नेशन के कंट्रोल में थे, है ना। दे नॉट ओनली वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ देयर कॉलोनियल मास्टर बट ऑल्सो विश टू चूज देयर फ्यूचर लीडर। और वो केवल कॉलोनीज से आज़ाद नहीं होना चाहते थे, वो ये भी चाहते थे कि फ्यूचर में उनका लीडर कौन हो ये भी चुनने का अधिकार उनको मिले, ठीक है। मैनी ऑफ दीज कंट्रीज बिकम डेमोक्रेसीज इमिजिएटली आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। कई सारे देश सेकेंड वर्ल्ड वार के तुरंत बाद क्या हो गए, डेमोक्रेटिक हो गए, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, 1945 में। इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड एम्बार्क्ड ऑन इट्स जर्नी टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ फ्रॉम अ सब्जेक्ट कंट्री टू अ डेमोक्रेसी। आपको पता है कि इंडिया में इंडिपेंडेंस 1947 में आया था, ये तो हर बच्चे को पता होना चाहिए, और अगर ये नहीं पता है तो फिर देयर इज नो एनी बेनिफिट ऑफ योर स्टडी, ठीक है। ये आपको पता है कि इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ था, 1947 में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, कॉलोनियलिज्म का एंड हो गया था। रीसेंट फेस, अब रीसेंट फेस क्या है थोड़ा सा देखते हैं। रीसेंट फेस का मतलब हो गया आज का फेस, ठीक है। फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पोलैंड वी नो दैट देन सोवियत यूनियन कंट्रोल्ड मैनी ऑफ इट्स नेबरिंग कम्युनिस्ट कंट्रीज इन ईस्टर्न यूरोप। पोलैंड के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने ये जान लिया कि सोवियत यूनियन जो है वो अपने कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को, अपने पड़ोसियों को कंट्रोल करता है। भाई पोलैंड को भी तो सोवियत यूनियन कंट्रोल करता था ना, है ना, ठीक है। पोलैंड एंड सेवरल अदर कंट्रीज बिकेम फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग 1989 to 90, ठीक है। और 1989 से 90 के बीच में कई सारे देश ऐसे थे जो सोवियत यूनियन से आज़ाद हो गए थे, ठीक है। दे चूज टू बिकम डेमोक्रेसीज और वो डेमोक्रेटिक हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ, सोवियत यूनियन गिर गई खुद से, मतलब वीक पड़ गई। इन दिस पीरियड मेजर चेंजेस ऑल्सो टुक प्लेस इन इंडियाज नेबरहुड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। अच्छा, इस समय में जो हमारे दो पड़ोसी देश हैं, एक और क्वेश्चन आपके लिए कि इंडिया के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं वो भी बता देना, ठीक है। तो इंडिया के जो दो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदल गई थी। क्या बदला था, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम आर्मी रूल टू डेमोक्रेसी 1990 में पाकिस्तान और बांग्लादेश आर्मी रूल को हटा के क्या डेमोक्रेटिक हो गया था, ठीक है। किंग गेव अप मेनी ऑफ हिज पावर टू बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च टू बी गाइडेड बाई इलेक्टेड लीडर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च हमने पहले भी पढ़ा है कि राजा राज तो करेगा लेकिन संविधान के आधार पे करेगा, अपने मन से जो मन में आएगा वो नहीं कर सकता है, ठीक है। इन 1999 जनरल मुशर्रफ ब्रॉट बैक आर्मी रूल इन पाकिस्तान, और 1999 में जनरल मुशर्रफ क्या हुए, पाकिस्तान में दोबारा से आर्मी रूल लेके आ गए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इवन टुडे देयर आर, हाँ एक चीज़ मैं भूल गई कि 2008 में पाकिस्तान फिर से डेमोक्रेटिक हो गया था, ठीक है। इवन टुडे देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर पीपल कैन नॉट एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फ्रीली, दे स्टिल कैन नॉट इलेक्ट देयर लीडर्स, दे कैन नॉट टेक बिग डिसीजन अबाउट देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ। बहुत सारे देश आज भी ऐसे हैं जो अपना फैसला खुद नहीं कर सकते, अपनी विचारधाराओं को प्रस्तुत नहीं कर सकते, अपने भविष्य और अपने वर्तमान के बारे में सोच नहीं सकते, या फिर कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते हैं। वन सच कंट्री इज़ म्यांमार, प्रीवियसली नोन एज बर्मा, और उन्हीं में से एक कंट्री है म्यांमार जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। इट गेंड फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल इन 1948 एंड बिकम अ डेमोक्रेसी, बट द डेमोक्रेटिक रूल एंडेड इन 1962 विद अ मिलिट्री कूप। 1948 में म्यांमार या बर्मा कह लीजिए आज़ाद हो गया था, डेमोक्रेटिक हो गया था, लेकिन 1962 में इस पे क्या कर दिया था, डेमोक्रेटिक रूल ख़त्म हो गया था, मिलिट्री कूप ने ख़त्म कर दिया था और उस पे कब्ज़ा कर लिया था, ठीक है। 1990 में इलेक्शन वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर ऑलमोस्ट 30 ईयर, द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी लेड बाय आंग सान सू की वन द इलेक्शन।
बट द मिलिट्री लीडर्स ऑफ म्यांमार रिफ्यूज टू स्टेप डाउन एंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज द इलेक्शन रिजल्ट. इंस्टेड द मिलिट्री पुट द इलेक्टेड प्री डेमोक्रेसी लीडर्स इंक्लूडिंग सू की अंडर हाउस अरेस्ट. 1990 में लगभग 30 साल बाद यहाँ पे इलेक्शन हुए. उसके बाद इलेक्शन में आंग सांग सू की को चुना गया, वो जीता इलेक्शन. ठीक है, आंग सांग सू की, हाँ ठीक है, वो इलेक्शन वॉज वॉन बाई आंग सांग सू की. बट लोगों ने, मिलिट्री लीडर्स जो म्यांमार के थे, उन्होंने नहीं माना कि आंग सांग सू की हैज़ वॉन. ठीक है, वो अपने, उन्होंने क्या किया, आंग सांग सू की को हाउस अरेस्ट पे डाल दिया. ठीक है, कि वो मतलब गृहबंदी इसे कहते हैं. ठीक है, कि वो अपने घर में ही बंद रहे. उसके बाद देखते हैं ग्लोबल लेवल पर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एट ग्लोबल लेवल. देयर इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अ गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सो ऑन, बट देयर इज़ नो गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड. चलिए मैं बता देती हूँ. ये कह रहा है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, एक सरकार भारत की है, एक सरकार अमेरिका की है, यूरोप की अलग सरकार है, पाकिस्तान की अलग सरकार है, बांग्लादेश की अलग सरकार है, श्रीलंका की अलग सरकार है. लेकिन क्या कोई सरकार ऐसी है जो पूरे दुनिया पे रूल कर रही है? क्या कोई सरकार ऐसी है कि जो अगर नियम निकाल दे तो पूरी दुनिया को वो नियम फॉलो करना पड़ेगा? नहीं है ना. ये बताओ, अगर यहाँ पे एक नियम निकाला जाता है तो वो केवल इंडिया के सारे लोग फॉलो करते हैं ना. ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा देश है, कोई ऐसी सरकार है जो अगर फैसला ले ले तो पूरी दुनिया को मानना पड़ता है. ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया है, पढ़ते हैं इसको. हु टेक्स स्टेप टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट थ्रेटन्स ऑल द कंट्रीज टुगेदर. द यूनाइटेड नेशन हैज़ इवॉल्व मेनी कन्वेंशन ऑन दीज क्वेश्चन दैट आर नाउ बाइंडिंग ऑन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. द UN इज अ ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ नेशन ऑफ द वर्ल्ड टू हेल्प कोऑपरेशन इन इंटरनेशनल लॉ, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल इक्विटी. देखिए, UN मतलब यूनाइटेड नेशन, ये नेशंस का एक यूनिटी है. ठीक है, मतलब यूनाइटेड नेशन क्या करता है, कन्वेंशन ऑन दीज क्वेश्चन दैट आर नाउ बाइंडिंग ऑन मोस्ट एसोसिएशन ऑफ नेशन ऑफ द वर्ल्ड टू हेल्प कोऑपरेशन, इंटरनेशनल लॉ को कोऑपरेट करता है. ठीक है, मतलब कि ये क्या करता है, हेल्प करता है. ये एक कोई देश नहीं है. ठीक है, क्या है, ग्लोबल एसोसिएशन है. एसोसिएशन मतलब संगठन है. यूनाइटेड नेशन एक संगठन है जो क्या करता है, इंटरनेशनल लॉ को, सिक्योरिटी को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है किसी भी कंट्री का, चाहे पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री पे कोई दिक्कत आ जाए. ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर फर्स्ट, डेमोक्रेसी प्रमोशन. डेमोक्रेसी का प्रमोशन कैसे किया गया, मतलब कि डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए लोगों को अवेयर कैसे किया गया, डेमोक्रेसी का प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट कैसे किया गया. Many powerful countries in the world, particularly the United States of America, have taken on the task democracy promotion in the rest of the world. United States of America, मतलब USA ने ये बीड़ा उठा लिया कि हम प्रमोशन करेंगे डेमोक्रेसी का. They say that propagating the values of democracy is not enough. Existing democracies should directly intervene in countries that are non-democratic to establish democracy there. केवल डेमोक्रेसी के बारे में बता देना ही डेमोक्रेसी का प्रमोशन नहीं है, उससे डेमोक्रेसी नहीं आएगी. ठीक है, वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे बताना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी के फ़ायदे क्या हैं. ठीक है, डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें भी बतानी पड़ेंगी. केवल ये कह देने से कि डेमोक्रेसी भी कुछ होती है, उससे डेमोक्रेसी का प्रमोशन नहीं होगा. इराक का एग्जाम्पल लिया है, इराक के बारे में पढ़ते हैं. इराक इज़ अ कंट्री इन वेस्टर्न एशिया. इराक जो है वेस्टर्न एशिया की एक देश है. इट बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1932. 1932 में ये ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ था. थ्री डिकेड्स लेटर देयर वर अ सीरीज ऑफ कूप्स बाय मिलिट्री ऑफिसर्स. इन 1968 इट वॉज रूल्ड बाय अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी. द अरबिक वर्ड बाथ मीन्स रेनेसा. 1968 में इसको कौन रूल कर रहा था, बाथ पार्टी. ठीक है, सद्दाम हुसैन, अ लीडिंग बाथ पार्टी लीडर. सद्दाम हुसैन कौन थे,
बाथ पार्टी के लीडर थे। प्लेड अ की रोल इन 1968 कूप दैट ब्रॉट द पार्टी टू पावर। और इन्होंने 1968 के जो कूप था, ठीक है, जो सेना थी उसमें लीड रोल प्ले किया था, जो इनको क्या पावर में ले आया। ओके, दिस गवर्नमेंट अबॉलिश्ड ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉ एंड गेव वुमेन द राइट टू वोट एंड सेवरल फ्रीडम नॉट ग्रांटेड इन अदर वेस्ट एशियन कंट्रीज। इन्होंने क्या किया, इस्लाम को ख़त्म कर दिया। इस्लाम वॉज अ रिलीजन, एक धर्म है। इस्लाम को ख़त्म कर दिया, औरतों को वोट करने का अधिकार दिया, जो कि वेस्टर्न एशिया के बहुत से देशों में नहीं था। ठीक है, आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इराक इन 1979 सद्दाम रैन अ डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट एंड सप्रेस्ड एनी डिसेंट और अपोजिशन टू हिज रूल। ही वॉज नोन टू हैव गॉट ऑफ नंबर ऑफ पोलिटिकल ओपोनेंट्स किल्ड एंड पर्सन ऑफ एथनिक माइनॉरिटीज मैस ग्रेव। देखिए क्या हुआ था, 1970 में जब इराक के प्रेसिडेंट बन गए सद्दाम, तो ये डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट चलाने लगे, मतलब कि अपने हिसाब से काम करने लगे, डिक्टेटर करने लगे, जैसे ये कहते थे प्रजा वैसे करती थी, इनके कई सारे दुश्मन भी थे। उसके बाद द यूएस एंड इट्स अलाइज लाइक ब्रिटेन एलीग्ड दैट इराक पजस्ड सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन एंड अदर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन विच पोज्ड अ बिग थ्रेट टू द वर्ल्ड। अब देखिए, यूएस, यूनाइटेड स्टेट और उनकी जो अलायंस थी ब्रिटेन, इन दोनों देशों ने ये क्लेम किया कि इराक जो है वो कई सारे हथियार छुपा के रखा है, ठीक है, हमला करने के लिए, ठीक है, और इससे दुनिया वाले क्या हो गए, डर गए, ठीक है। बट व्हेन अ यूएन टीम वेंट टू इराक टू सर्च फॉर सच वेपन, इट डिड नॉट फाइंड एनी। अब देखिए, उसके बाद जब यूएन टीम आई, यूनाइटेड नेशन की टीम आई देखने के लिए कि क्या कहाँ पे कैसे हथियार छुपा के रखे हैं, तो उनको कुछ भी मिला नहीं, ठीक है। स्टिल द यूएस एंड इट्स अलाइड इन्वेडेड इराक ऑक्यूपाइड इट रिमूव सद्दाम हुसैन फ्रॉम पावर इन 2003। लेकिन यूएस और ब्रिटेन के लोग नहीं माने और फाइनली 2003 में इन्होंने सद्दाम हुसैन की पावर छीन ली और इनको पावर से हटा दिया। देखिए, दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इसके नोट्स आपको कल मिल जाएंगे ऑन द ऐप ऑफ ऋषिकुल विद्यापीठ। बाई यूजिंग योर पासवर्ड यू कैन ओपन द योर पोर्टल एंड प्लीज़ make your notes with a beautiful handwriting. Till then, have a nice day.